आप देख रहे हैं BCL News Expo। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट। यहाँ है एग्जीबिशन ऐसी मशीनों की जो हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लगने वाले कंपोनेंट बनाती है। मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी कंपनियाँ आई हैं। आप सर अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम विनीत त्यागी है और ये हमारी ICT है, फोकस 4000 कॉम्बिनेशन टेस्टर। ये ICT प्लस फंक्शन और प्लस प्रोग्रामिंग तीनों चीज़ एक ही साथ कर देती है। ICT लेवल तक ये स्टैंडर्ड है मशीन और उसके आगे ये आपके अकॉर्डिंग है कस्टमाइज, जैसा आप चाहते हो वैसे उसको डिजाइन कर सकते हैं। इसमें आप करंट, वोल्टेज, एवरीथिंग आप चेक कर सकते हो। PCB में जो भी डेटा आप चेक करना चाहते हैं। तो ये कंपनी कहाँ की आपकी? जापान की कंपनी है हमारी, क्रिक्सो इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ऑफिस कहाँ है इसका? ऑफिस, हेड ऑफिस हमारा महाराष्ट्र वसई में है और रीजनल वाइज ऑफिस हमारे हर जगह है, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, सारी जगह पे है, बेंगलोर, गुजरात। ठीक है सर, थैंक यू। यहाँ पे देख रहे हैं आप रेजिडेंस है जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्सों में लगती है, सर्किट के अंदर लगती है और उसके ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका। सारी मशीन है उसी के अंदर, ये वायर कटिंग मशीन है जो वायर को कटिंग करती है जिस साइज़ की आपको चाहिए उसी साइज़ की। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सोल्डिंग सोल्डर जिससे सोल्डिंग होती है। ये सारी मैं आपको दिखला रहा हूँ मशीनें जो इसमें सोल्डिंग के अंदर PCB के अंदर इस्तेमाल होने वाली मशीनें। ये क्या काम कर रहे हैं? नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम पितावास, लूज कंपोनेंट कटिंग मशीन बिफोर सोल्डिंग। तो ये मशीन मतलब कर क्या रही है इस समय? ये रेटेल कंपोनेंट पूरी कटिंग करेगी। अच्छा, कटिंग करेगी। ये PCB लीड कटर आफ्टर सोल्डिंग, सोल्डिंग में जो मैनुअल कटिंग है ऑटो कटिंग। लिंकिंग कन्वेयर बिफोर वी हैव सोल्डिंग लिंकिंग कन्वेयर। SMT लिंकिंग कन्वेयर वी कैन प्लेस बिफोर। तो ये कंपनी कहाँ की आपकी? ये गुड़गांव की। स्टेंसिल प्रिंटर, ये प्रिंटर है? हाँ, स्टेंसिल प्रिंटर। स्टेंसिल प्रिंटर एक ग्लू पेस्ट प्रिंट करता है। तो ये सारी मशीनें मतलब इसके जो PCB उसके इस्तेमाल में आने वाली मशीनें हैं। मेक इन इंडिया। PCB सेपरेटर। बेस्ट मिक्सर। थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ की मशीनें लगी हुई जो वायर की कटिंग करके उसको आगे से सोल्डरिंग के लिए शील भी देती है साथ में ऑटोमेटिक तरीके से। ये आप देख भी रहे हैं। इसको आती है और छीनती है। नाम बताइए। रवि पांचाल। तो जो आपकी कंपनी है इसके बारे में बताएं। सर ये स्टेंसिल प्रिंटर है, ठीक है। हम इसमें अपना PCB कार्ड्स रखते हैं और ग्लू रहता है और ये फिर अपना मूव होता है मतलब, और हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसको यहाँ से हम पुश करेंगे तो अपना ये ग्लू स्टार्ट हो जाएगा, प्रिंटिंग करेगा। स्टेपलर है ये? यस। ठीक है। और ये नेक्स्ट मशीन? सर ये स्लीव कटिंग मशीन्स, इस टाइप की हम इसमें स्लीव कटिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें निकल वाला भी हम कट कर सकते हैं,
ये हमारी ये मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, बड़ी बड़ी वायर की या इस टाइप की इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। ये कंपोनेंट फॉर्मिंग मशीन्स हैं जिसमें कि रेडियल कैपेसिटर इस टाइप की। तो इसमें ये क्या पैकिंग करते हैं क्या? यस यस, कटिंग के लिए, कटिंग के लिए ओनली कटिंग के लिए, कटिंग एंड बेंडिंग मशीन्स, बोथ साइड कट और बेंड होगा रेडियल। इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे अपनी एलेंकी से, इसको हम जितना डायमेंशन चाहते हैं कंपोनेंट की उतनी कर सकते हैं। इसमें भी सेम है, बट ये वर्टिकल ऑटोमेटिक मशीन्स है, इसमें भी हम एडजस्ट कर सकते हैं जितनी हमें लेंथ चाहिए वी शेप में। ये मैनुअल है, ये भी मैनुअल है, रेजिस्टेंस कटिंग एंड बेंडिंग मशीन। ये अपना लूज रेडियल लीड कटिंग मशीन्स है, इसमें हमारे कैपेसिटर लूज रहते हैं और उसमें हम डालते हैं बॉल फीडर में, बॉल फीडर से फिर अपना फॉलोअप ये ट्रैक के थ्रू निकलते हुए कटता हुआ फिर हमारा कंपोनेंट है। इसको हम अलग भी कर सकते हैं अगर सिंगल चाहते हैं तो उसमें मैनुअली हम हैंड से अपना कंपोनेंट डालते हैं, कैपेसिटर डालते हैं तो वो कटिंग से बाहर होता है। ये टेबल टॉप रिफ्लो ओवन है, ये 5 जोन का रहता है, 3+2 मतलब 3 हीटर ऊपर 2 नीचे। ये मैश चेन है, 300 mm की इसकी विड्थ होती है। इसमें हमारा ये हमारा जो PCB कार्ड्स होते हैं उसमें हम वो लगाते हैं, पेस्ट लगाते हैं ग्लू पेस्ट, और इसमें हीटिंग सर्कुलेट होता है और वो हीटिंग सर्कुलेट के थ्रू अपना कंपोनेंट बाहर निकलता है और वो उस जॉइंट को बना लेते हैं। सेटल कन्वेयर, ये मूव के लिए हमारी ये कन्वेयर बनी हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर टाइप वेव सोल्डरिंग मशीन। इसमें हमारे सबसे पहले फ्लेक्सिंग होती है, देन प्री हीटिंग, आफ्टर देन सोल्डरिंग। That is a reflow oven, 6 zone, 6 top, 6 bottom, and then working same process, but 21 machines, mesh chain, with mesh chain, वही same process है सर, जैसे हम उसमें करते हैं, बट ये बड़ा है, फ्लोर टाइप में यूज होता है, और वो स्मॉल मशीन है हमारा टेबल टॉप, ये फ्लोर टाइप मशीन। तो ये मशीनें हैं कौन सी, इंडियन मशीन है सर? ये रिफ्लो ओवन रिप्लो वन, कौन से ये मेड इन इंडिया है? यस, मेक इन इंडिया सर, मेक इन इंडिया है। तो यहाँ पे आपने देखा इसके सारा मशीनों का सिस्टम क्या, किस तरीके से मशीन के अंदर कौन सी मशीन के अंदर क्या चाहिए हमें और क्या बनता है, और ये जो है सारी इंडियन मेड इन इंडिया की है। थैंक यू सर। फिर लेके आया हूँ यामा, एक जो मशीनें हैं इनकी सारी PCB की सोल्डरिंग, कटिंग और साथ में इसकी प्रिंटिंग, सारी मशीनें ये बनाते हैं और इसके हिसाब से ही ये हम मशीनें रखी हुई हैं। तो अपना नाम बताइए सर। जी हाँ, मैं पृथ्वीराज हूँ, लिप्टेक से। तो ये जो मशीन है ये है PCB माउंटिंग के लिए यूज़ होती है। जैसे अपने PCB होते हैं ग्रीन कलर का पैनल, सबको पता होगा, उसके ऊपर है ना छोटे छोटे कैपेसिटर्स, असेंबली कंपाउंड बोलते हैं उसको, जो लगी रहती है। अब वो एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत इजी नहीं है इतना सारा प्रोडक्शन करना, हाथ से करना, पहले सोल्डिंग हाथ से होती थी, अब उसके लिए रोबोट, पहले जो हाथ से होती थी अब ये मशीन से होती है। इनडायरेक्टली एक काइंड ऑफ रोबोट है जो ये सारे कंपाउंड्स लगा रहे हैं, और अंदर नोजल्स होते हैं जो कंपाउंड्स को उठाते हैं, जाके PCB के लोकेशन पर रख देते हैं, प्रोग्राम होता है PCB के साइज के हिसाब से, उसके जैसे हर एक कंपाउंड हर एक साइज के हिसाब से वहाँ पे जाके प्लेस होता है और अपने आप ये सेटिंग करके उसको लगाते हैं। तो ये इसको माउंटर भी कहते हैं, पिक एंड प्लेस और माउंटर, ये दो नाम है इसका। ये मशीन कहाँ की है? ये यमा है, जापानीज मशीन है, यमा ने मैन्युफैक्चर की। ठीक, सर अपना नाम बताइए। सागर अहिरे। तो ये आपकी कंपनी क्या बना रही है? पिक एंड प्लेस मशीन बनाती है सर। तो ये इस समय मशीन जो आप देख रहे हैं, हाँ, इसका क्या काम है? ये है कंपोनेंट को जो है माउंट करने का काम करती है, ऐसा है, मतलब असेंबली काम ये है, यहाँ से पिक करती है, कैसे लगाती है, ये इसको बोलते हैं पिक एंड प्लेस मशीन सर। कहाँ की बेस कंपनी? ये हमारा कंपनी जो है मुंबई बेस्ड है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है सर। ठीक है, ये जो कंपनी है आपके माउंटिंग करती है, जो मशीनें हैं इनकी चाइना से बनती है और बॉम्बे की कंपनी है जो ये काम कर रही है सर।